नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शुभारंभ फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम शुरू करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम, जिसमें हम गंगा रिवर सिस्टम कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुभारंभ करते हैं अपने इस नए वीडियो का। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी का मीनिंग क्या है। तो जो सोर्स है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो उत्तराखंड में, तो जिस डायरेक्शन में रिवर मूव कर रही होती है उस डायरेक्शन से इस साइड को हम लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे और इस वाले साइड को हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। और यहाँ पर जो हमारा है इसको हम सोर्स ऑफ द रिवर कहते हैं और इसको हम माउथ बोलते हैं, कि जो रिवर है वो कहाँ पे एंड हो रही है। तो जो गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर जब ये बांग्लादेश में एंटर करने के बाद में, जैसे ये आप अगर हम देखें तो ये बांग्लादेश में एंटर करने के बाद में ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जा कर के एंड हो जाती है और यहीं पे ही हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी बनाती है और उस डेल्टा का नाम है सुंदर बन डेल्टा। और हम अगर इसमें देखें तो सुंदरबन अगर आपको पता ही होगा, लाइक दिस डेल्टा हम इसको बोलते हैं, मतलब बहुत सारे जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो आकर के जब मिल जाती हैं तो इस टाइप का डेल्टा बनाती हैं, इसी को ही हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। चलिए आगे अब हम देखते हैं, ये हमारा पूरा गंगा रिवर सिस्टम है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जो हमारा ये सतोपंद ग्लेशियर है, यहीं से ही हमारी गंगा रिवर स्टार्ट होती है। तो एक्चुअली जब हम ये गंगा कहते हैं, इसको हम ऋषिकेश में जब ये एंटर करती है फर्स्ट टाइम, वहाँ से हम इसको गंगा कहते हैं। उसके पहले आपने सुना होगा कि पंचप्रयाग, तो पहले गंगा बनने से पहले इसमें पंचप्रयाग होता है, जैसे कि अलकनंदा रिवर जो है ये आपका सतोपंद ग्लेशियर से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आपका धौली गंगा है जो कि आकर के अलकनंदा को मिलती है विष्णुप्रयाग में, फिर उसके बाद नंदाकिनी रिवर जो है वो आपको नंदप्रयाग पे मिलती है। यहाँ पे आपकी पिंडार रिवर है जो कि कर्णप्रयाग पे मिलती है और आपकी मंदाकिनी है जो ये आपको रुद्रप्रयाग पे मिलती है। और उसके बाद आपने यहाँ देखा होगा गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से एक रिवर चालू होती है भागीरथी हम उसको कहते हैं वो, और अलकनंदा आकर के देवप्रयाग पे मिलती है। और यहीं पे ही भागीरथी की एक ट्रिब्यूटरी है भील गंगा, तो भील गंगा पे ही हमारा हाईएस्ट डैम बना है तेहरी डैम। नेक्स्ट उसके बाद में तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि अलकनंदा एंड गंगू भागीरथी रिवर के जहाँ पे ये मीट करती है उसको कौन सा प्रयाग बोलते हैं, तो वो देवप्रयाग है। एंड आफ्टर दैट उसी के बाद ही आफ्टर देवप्रयाग इस रिवर को, पूरे सिस्टम को गंगा हम यहीं से कहना चालू कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो गंगा है वो आपका लैंड में कहाँ एंटर करती है, ऋषिकेश में, फिर उसके बाद आपका हरिद्वार है, फिर और अगर हम ट्रिब्यूटरी देखें तो ये रामगंगा ट्रिब्यूटरी है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस साइड की सारी जो रिवर्स हैं वो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और इस साइड की जो हैं आपकी वो हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो ये रामगंगा, देन यमुना, यमुना जो जो इसका सोर्स है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि आपका उत्तराखंड में है। तो यमुना एंड गंगा जो संगम भी हमने सुना होगा, एक संगम बनाती है कहाँ पे, प्रयागराज में। तो संगम एक्चुअली यहाँ पे थ्री रिवर से बनता है, एक तो आपका यमुना, गंगा एंड सरस्वती रिवर, बट सरस्वती रिवर जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है।
बहुत सारे इसके माइथोलॉजिकल रीजंस भी हैं, बट हम उसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा यमुना रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की, मिलती है प्रयागराज में। कुंभ मेला भी आपने सुना होगा, तो यहीं पे हम ये भी देख लेते हैं कि यमुना की भी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो इस साइड की हमारी सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं एल, एंड इस साइड की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो टोन्स, हिंडन, ये दो रिवर हैं। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और चंबल की बात करें तो चंबल का जो सोर्स है वो है जनपावा हिल, महू, इंदौर। और ये फेमस भी है, यहाँ पे घड़ियाल बहुत सारे पाए जाते हैं। तो सेम अगर हम ये देखें कि इसकी भी लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो ये लेफ्ट बैंक है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देख रहे हैं तो ये पार्वती, काली सिंध, शिप्रा, एंड लेफ्ट बैंक में खाड़ी, मेज, बनास। और जो चंबल रिवर है वो यमुना से इटावा में मिलती है, जो कि यूपी में है। फिर उसके बाद सिंध रिवर है बेतवा, जो कि हमीरपुर में मिलती है। और बेतवा की एक ट्रिब्यूटरी है वो है दासन। फिर उसके बाद केन, जो कि बांदा में मिलती है। फिर उसके बाद एक बहुत छोटी सी रिवर है जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, वो है तामसा रिवर। टोंस भी बोलते हैं, तो आप इसको कन्फ्यूजन मत होइएगा, यमुनोत्री जो ग्लेशियर से यमुना चालू होती है उससे। और फिर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरी, तो गोमती, फिर आपकी घग्गर, और घग्गर से पहले ये एक रिवर शारदा है और ये घग्गर है। ये दोनों जब यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल गई, उसके बाद से इसको घग्गर बोलते हैं, जो कि छपरा में जा करके गंगा से मिलती है। और जो घग्गर है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, एंड लॉन्गेस्ट देखें तो लॉन्गेस्ट हमारी यमुना रिवर है। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, फिर उसके बाद गंडक रिवर है, फिर कोसी रिवर, महानंदा रिवर, एंड ये जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर है। ये इधर से आ रही है आपकी तिब्बत, तिब्बत से, और फिर ये नॉर्थ ईस्ट में, फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है, तो उसका नाम जमुना हो जाता है। और इन अ सेम मैनर गंगा भी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। तो उसके बाद ये दोनों रिवर मिलके मेघना रिवर कहलाती हैं, और ये इसका एंड है यहाँ पे डेल्टा बनाते हुए। तो अभी हम यहाँ पे इस साइड की भी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो ये खरमानसा रिवर, सोन रिवर जो कि पटना में आकर मिलती है, सोन की दो ट्रिब्यूटरीज हैं रिहान एंड कोल। और फिर पुनपुन रिवर है एंड दामोदर रिवर, और उसी से ही एक छोटी सी रिवर निकलती है जिसको हम हुगली भी बोलते हैं। तो हुगली एक पोर्ट भी है। एंड नेक्स्ट एक ये भी हम बात कर लेते हैं कि जो गंगा रिवर है वो एक इंटरनेशनल रिवर है, वो इसलिए क्योंकि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो और भी कंट्रीज़ में है। जैसे कि अगर हम देखें तो ये आपका इंडिया में, नेपाल में, एंड बांग्लादेश में, ये आपने देखा। तो इसीलिए हम इसको इंटरनेशनल रिवर भी कहते हैं, या फिर ट्रांस बाउंड्री रिवर ऑफ एशिया भी कहते हैं। और जो मैंने बताया कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो घग्गर है, एंड लॉन्गेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो आपकी यमुना है। तो चलिए ये मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट टेक्निक में लिख दिया है कि धौलिक गंगा, अलकनंदा कहाँ पे मिलती है, विष्णु प्रयाग में, मंदाकिनी, अलकनंदा, नंद प्रयाग में, पिंडार, अलकनंदा, कर्ण प्रयाग में, मंदाकिनी, अलकनंदा, रुद्र प्रयाग में, भागीरथी, अलकनंदा, देव प्रयाग में। तो अभी तक जो एग्ज़ाम में हम देखे तो ये सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आया है, बट आप इसको पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए, याद कर लीजिए, तो कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो आप उसमें गलत नहीं करेंगे। और ये मैंने यहाँ पे कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। सोर्स जो कि गंगा रिवर का वो है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि कहाँ पे है आपका, उत्तराखंड में, माउथ बे ऑफ बंगाल में। और ये लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है,
और इसकी लेंथ देखें तो 2525 किलोमीटर, अगर माइल्स में आ जाए तो 1569 माइल्स। एंड नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज एक साथ देख ले लें देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और या फिर विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो मैंने इसको अलग करके इसमें लिखा है कि लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट बैंक में देखें तो राम गंगा, घरा, गोमती, घग्घरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखें तो यमुना, तामसा, सोन, पुनपुन, क्योल, खरमानसा, चंदन, दामोदर। तो आप इसी ही ऑर्डर में याद रखिए तो ज़्यादा इजी भी रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए और मुस्कराते रहिए।